हमें मां जी से अलग नहीं है हमें कैसा वर्तमान चाहिए इस ख्वाहिश से हम मां जी का निरूपण करते हैं और चुनते हैं किसी एक अंश को मंच पर इतिहासकार बैठे हैं हिस्टोरियंस बैठे हैं और वो जानते हैं कि जस्ट एज देर आर सिलेक्टिव प्रेजेंस देर आर ऑल्सो सिलेक्टिव पास्ट तो आपके मां जी में से आप कौन सा ऐसा अंश लेना चाहते हैं वो इस पर निर्भर है कि आपको कैसा वर्तमान बनाना है तो मैं ये समझती हूँ कि अगर आपको आज का जो सियासती दौर है इसमें हमारा जो एक प्लूरलिस्टिक पास्ट है जो एक बहु विविधता हमारे जो पास्ट में रह चुकी है हमारे वर्तमान में रह चुकी है उसको संकीर्ण बनाया जा रहा है उसको छोटा बनाया जा रहा है उसके दायरे छोटे होते जा रहे हैं और बुद्ध से कबीर तक की जो यात्रा है वो उस वर्जन ऑफ पास्ट मतलब कि उस मांझी को चुनौती दे रही है और वो कह रही है अगर अंग्रेजी में कहूँ तो दिस इज अ मूवमेंट ऑफ कंपीटिंग पास्ट राइट इट्स अ मूवमेंट ऑफ सेइंग सिर्फ आपकी जो परिभाषा है भूतकाल की वो हमें स्वीकार नहीं है तो सचमुच में हमारा क्या मांझी है और उसे हम कैसे समझेंगे मैं ये समझती हूँ कि उसे लिविंग ट्रेडिशंस या लिव्ड एक्सपीरियंस द्वारा समझना जरूरी है जो परंपराएं आवाम में साधारण लोगों में जीवित हैं जो हमको बाजारों में दिखती हैं जो हमें कस्बों में दिखती हैं जो हमारे घर के आंगनों में दिखती हैं जो हमारे रसोई घर में दिखती हैं इस तरह की जो लिविंग ट्रेडिशंस हैं न कि जो आपको जो टेक्स्ट बुक में दिया जा रहा है न कि जो आपके गले ज़बरदस्ती उतारा जा रहा है लेकिन जो हमारी माँ हमारी दादियाँ हमारे दादा हमारे पूर्वज एक तरह के जो दिन ब दिन जो हमको सूत्र देते हैं जो विजडम देते हैं कई बार उसमें आपको लिविंग ट्रेडिशंस की झांकी दिखाई देती है मतलब वो परंपराएं जो जीवित हैं कहने का ये मतलब नहीं है कि सबकी सब परंपराएं ज़रूरी हैं परंपराओं से रिश्ता निभाना परंपराओं को समझना ये देखना कि कौन सी परंपराएं हमारे लिए ठीक हैं कौन सी हमको छोड़ के आगे बढ़ना है और उस परंपरा की नई दिशा कौन सी होनी चाहिए ये भी बहुत ज़रूरी है तो एक तरह से जो जिसको हम नेगोशिएशन कहते हैं समाये हुए हैं बुद्ध की जो अहिंसा है बुद्ध का जो त्याग है वो उसमें समाया हुआ है और उस जो हमारे अंदर बहुत ही एक नॉर्मल ढंग से समाया हुआ होता है वो कई बार अदृश्य हो जाता है जिसको हमने ऊपर से लिया हुआ है वो काफ़ी दृश्य होता है लेकिन जो वो टेकन फॉर ग्रांटेड जो होता है ना जैसे घर का खाना जो आप रोज़ खाते हो इसलिए आपको उसकी कीमत नहीं होती उसी तरह कई चीज़ें जो हमारी समाज के लिए घर का खाना थी हम धीरे धीरे उस घर के खाने को हम भूल गए हैं और हमें ये लगता है कि रोज़ हमको जैसे थाली खानी होती है जैसे एक शानदार कुछ खाना खाना होता है लेकिन वो आर्टिफिशियली क्रिएटेड होता है वो जो घर के खाने में जो सहजता होती है वो उसमें नहीं होती और ये पूरी जो ट्रेडिशन है चाहे उसमें गुरु नानक हो या उसमें बुद्ध हो या उसमें कबीर हो मैं गुजरात की बात करूँ मैं अहमदाबाद की रहवासी हूँ तो वहाँ नरसिंह मेहता जिनका भजन आपने सुना ही होगा वैष्णव जन तो तैने कहिए पीर पढ़ाए जाने रे या अखो वहाँ के आप कश्मीर में जाएंगे तो आपको लल डेर मिलेंगे आप महाराष्ट्र में जाएंगे तो आपको ज्ञानेश्वर मिलेंगे नामदेव मिलेंगे आप साउथ में जाएंगे तो आपको नमनवर मिलेंगे आपको अंधार मिलेंगे आपको वो वचनकार मिलेंगे जैसे बसवा है आज बसवा के नाम से कर्नाटक में जो लिंगायत समाज है वो कह रहा है कि हम अलग हैं लेकिन ये भी चीज़ें देखना ज़रूरी है कि बसवा के विचार और आज के लिंगायत समाज की मांग में कितना फ़र्क है तो कई बार ये होता है कि एक हिस्ट्री के नाम पर मांझी के नाम पर कई बार जो प्रेजेंट की मतलब जो वर्तमान की महत्वाकांक्षा है वो उस हिस्ट्री से जुड़ी हुई नहीं होती है लेकिन वो हिस्ट्री उनके लिए एक महज बहाना होता है एक साधन बन जाता है और इसलिए भी मांझी को समझना बहुत ज़रूरी है कि हम कहाँ से आए हैं और हमारी जड़ें क्या हैं तो ये इस बात को आगे जाते हुए मसलन के तौर पर अगर उत्तर प्रदेश में यहाँ के मुसलमान अगर होली के गीत गाते हों सौहर के गीत गाते हों ब्रज भाषा में गाते हों तो ये भी समझना ज़रूरी है कि हमारी ये भी जड़ें थी वो जड़ें हम रही हैं कि नहीं रही हमारी एक
किसी ने कहा गंगा जमुना तहजीब जो हमारी है, तो उस तहजीब में ये नहीं था कि मुसलमान सिर्फ उर्दू ही बोलता है, उसमें ये भी था कि मुसलमान ब्रज भाषा भी बोलेगा तो अवधी भी बोलेगा, और हिंदुओं को भी फारसी और उर्दू बोलने आती ही थी और बोलते ही थे। लेकिन हमने इन चीज़ों में भी इतनी बड़ी दरार डाल दी है कि ये हिंदुओं का है, ये मुसलमान है, ये ख्रिस्ती है। जो एक चीज़ हमारे पास थी जिसमें आपको एक ढंग का सेक्युलरिज्म, और मैं सेक्युलरिज्म शब्द बहुत सोच समझ के इस्तेमाल कर रही हूँ, ये समझिए कि मैं उसके आसपास इन्वर्टेड कॉमास डाल रही हूँ क्योंकि उसका आज एक गाली सा बन गया है। तो मैं गांधी जी के सर्वधर्म संभाव को ध्यान में रखते हुए सेक्युलरिज्म की बात कर रही हूँ। अगर एक चीज़ हमारे समाज में जो अभी थोड़ी बहुत टिकी रही है, जिसमें आपको ये जज्बा फिर भी दिख जाता है, तो वो है हमारी सिनेमा। हमारी सिनेमा में वो फिर भी आपको दिख जाएगा, पर्दे के पीछे तो कई बार दिखता ही है, पर्दे पे आप कम दिखने लगा है। तो ये जो चीज़ें हैं, इनकी हमारी विरासत है, इसके बारे में हमको सोचते रहना चाहिए कि हमारी लिव्ड ट्रेडिशंस जो हैं वो कौन सी है। ये होली की बात करते हुए मुझे एक और बात याद आ गई। मैं खुद सिंधी हूँ, और बंटवारे के वक्त मेरे वालिद जो हैं, मेरे माँ बाप, वो सिंध से हिंदुस्तान में आए और गुजरात में आके बसे थे। और पढ़ते पढ़ते कुछ ऐसा वक्त आया मेरी ज़िंदगी में जब मुझे लगा कि मैं, मेरी जड़ें क्या हैं, हमारी भाषा क्यों अब कम बोली जा रही है, या इस भाषा बोलने में एक शर्मिंदगी सी क्यों है, अपने आप को सिंधी कहलाने में एक तरह की शर्मिंदगी क्यों दिख रही है, जो मुझे खास तौर पे गुजरात में दिख रही थी कि जहाँ खास एक तरह से एक स्टीरियोटाइप्स थे कि सिंधी तो मांसाहारी होते हैं, मुसलमानों जैसे होते हैं, पाकिस्तान से आए हुए होते हैं, सिंधी ने जो ने सांप ने जो पहला सिंधी ने मारो, अगर आप सिंधी को देखें या सांप को देखें तो पहले सिंधी को मारिए। तो इन सब को समझते हुए मैं भी अपनी माँ जी की ओर गई, और मुझे लगने लगा कि ये, मैं सवाल पूछने लगी कि हमारा जो बंटवारा हुआ, जब सिंध का पूरा प्रदेश पाकिस्तान का हिस्सा बन गया, तो इस कौम पे क्या बीती थी, उसके क्या तजुर्बे थे। और ये बहुत दिलचस्प बात है कि आज हम जब बंटवारों की कहानियाँ सुनते हैं, हम सदत हुसैन मंडो के बारे में जानते हैं, कुरुतलिन हैदर के बारे में जानते हैं, कई लोगों ने बंटवारे की बात की है, तो पंजाब में जिस तरह का खून खराबा हुआ था, उस तरह का खून खराबा सिंध में नहीं हुआ। वो किस लिए नहीं हुआ था, क्योंकि वहाँ इस तरह की विचारधारा थी जो हमको बुद्ध और कबीर में दिखती है। अब यकीन नहीं मानेंगे, एक मैंने तर्जुमे किए हुए हैं वहाँ के कुछ साहित्य के, वहाँ के अदब के, एक मुझे आज वो किताब मेरे पास नहीं है क्योंकि मेरी ज़िंदगी थोड़ी अब अहमदाबाद और दिल्ली के बीच बटी हुई है, लेकिन उसमें एक एक खास अंश मैं आपको आज बताना चाहूँगी कि करीबन 6 जनवरी 1948 वो सिर्फ एक ही दिन था जब सिंध में रायट्स हुए थे, दंगे फसाद हुए थे, उससे पहले और उसके बाद आपको वो दंगे फसाद वहाँ दिखे ही नहीं। और वो क्यों हुए थे, क्योंकि सिंधों में सिखों की बड़ी मात्रा है, सिंधियों ने सिख धर्म का भी बहुत पालन किया है, सूफी धर्म के साथ भी बहुत जुड़े हुए हैं, तो नामधारी सिख जो पंजाब से आए थे उनको जलाया गया था वहाँ के गुरुद्वारे में, और उसके रिएक्शन में कराची में रायट्स हुए थे। उसकी बात करते करते एक जाने माने लेखक बताते हैं कि हमारे घर पे भी लोग आए थे, यहाँ से बिहार से गए हुए मुसलमान थे, हमारे घर पे आए थे और हमारी जान को भी खतरा था, लेकिन जब बैठ के उन्होंने कबीर के दोहे गाए तो वो वहीं बैठ गए और वो झगड़ा नहीं हुआ। तो कबीर कई बार खुद कबीर है, कई बार कबीर एक रूपक हैं, एक मेटाफर हैं जो किसी और नाम से भी पहुंच जाते हैं। तो सिंध में मसलन के तौर पर वहाँ के जो अगर हम कबीर कहें तो वो हैं काफ़ी जाने माने सूची संत 16-17 सदी के आसपास के, जिनका नाम है शाह अब्दुल लतीफ़। और वहाँ की ऐसी कोई फितरत नहीं है जिसमें शाह अब्दुल लतीफ़ का नाम ना हो, और शाह अब्दुल लतीफ़ के बारे में भी वैसी ही कहानियाँ हैं जैसी कबीर के बारे में है, क्योंकि उन्होंने आप हिंदू गिनेंगे या उन्हें मुसलमान गिनेंगे, सच तो ये है कि ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये भी जो परिभाषा है, चाहे आपको कबीर पे लाद रहे हो या चाहे आप शाह अब्दुल लतीफ़ पे लादोगे, ये 19वीं सदी के बाद से होने लगी है, ये हमारे यहाँ पहले नहीं होती थी।
ऐसे सवाल इतने नहीं पूछे जाते थे कि अगर आप ये हैं तो आप वो नहीं हैं, आप दोनों में से आप एक ही हो सकते हैं। तो शाह अब्दुल लतीफ की याद जो है वहाँ के हिंदू, वहाँ के मुसलमान सभी लोगों में है। हमारे यहाँ अगर पार्टीशन की बात की जाती है तो शाह अब्दुल लतीफ के जो दूहे हैं उमर मालवी के बारे में तो उस तरह से इस्तेमाल होते हैं कि मालवी अपनी ज़मीन के लिए जब रोती है उसी तरह सिंधी कौम जो है वो सिंध के बारे में रोती है। एक दूसरी कहानी है ससोई पुनू जो पंजाब में भी है, तो जो पंजाब को जानते होंगे उन्होंने शायद वो कहानी सुनी होगी। ससोई पुनू के आसपास पूरा एक सूफियाना कलाम लिखा गया है और एक तरह से जिसे हम इश्क मिजाजी और इश्क हकीकी कहते हैं, मतलब कि वो इश्क जो जो एक ज़मीन के तौर पर है, जो एक शरीर का शरीर से है, और वो इश्क जो एक रूहानी ढंग का इश्क होता है, तो वो आपको उस कहानी में दिखेगा। तो ससुई जो है वो एक ब्राह्मण की बेटी होती है, उसका प्यार हो जाता है एक जत समाज जो वहाँ के जो जत कहलाते हैं, ये हरियाणा के जात की बात मैं नहीं कर रही हूँ, आजकल मेरा उनसे बहुत पाला पड़ता है मैं वहाँ रह रही हूँ तो, लेकिन ये मैं जत समाज की बात कर रही हूँ जो अफगानिस्तान नॉर्थ वेस्ट से आए हुए हैं, उससे प्यार हो जाता है। दोनों इकट्ठे होते हैं, दोनों की शादी होती है, लेकिन पुनो जो है उसको रातों रात उसके भाई उठा के ले जाते हैं कि ये इस ससुई से शादी क्यों करेगा, और ससुई उसको ढूंढते ढूंढते पहाड़ों में चढ़ते हुए ढूंढते ढूंढते जाती है। और ये पूरी कहानी जो है एक आत्मा परमात्मा को कैसे ढूंढती है, किस तरह से रूहानी खोज होती है, इस तरह से सिंधी समाज में सुनाई जाती है। ये एक प्रेम की कहानी सुनाई जाती है। आज तक किसी ने ये सवाल नहीं किया कि ये तो कास्ट भी अलग है और मज़हब भी अलग है, ये सवाल हुआ ही नहीं है, ये कभी पैदा ही नहीं हुआ है, अब शायद होने लगेगा क्योंकि हम ऐसे वक्त में रह रहे हैं जब हमारे सवाल छोटे और छोटे और भी छोटे होते जा रहे हैं। तो ससुई पुनो की कहानी में पुनो ससुई ढूंढते ढूंढते जाती है, जिस तरह हम भगवान को ढूंढते हैं और जिस तरह कबीर भी कहते हैं कि आप उसको कहाँ ढूंढने जा रहे हैं, वो आपके अंदर में ही है, और ससुई इस तरह ढूंढ रही है और शाह अब्दुल लतीफ उसको गा रहे हैं और कह रहे हैं कि तू अपने प्रिय का पूछ, तो प्रिय के थे यार, तू अपने अंदर से पूछ कि वो पुनो कहाँ है, और पुनो को ढूंढते ढूंढते वो खुद पुनो बन जाती है। तो ये जो पूरी फितरत है वो हमारे हिंदुस्तान में सब कॉन्टिनेंट में कई जगह फैली हुई है, कई नस्लों में हमको देखने को मिलती है, लेकिन धीरे धीरे हम इसको भुलाने लगे हैं। और दुख की बात ये है कि न सिर्फ भुला रहे हैं, हम इसकी लेजिटिमेसी भी कम कर रहे हैं, हम इसको इलेजिटिमेट गिन रहे हैं। हम ये समझ रहे हैं कि आप राम मंदिर में जाओगे तो वो लेजिटिमेट चीज़ है, मतलब वो कायदे वाली पूजा है, लेकिन आप अगर कबीर जब राम की बात कर रहे हैं वो आपको कायदे वाली बात नहीं लग रही, क्योंकि कबीर तो पूरा वक्त राम की बात कर रहे हैं, और कबीर को ढूंढ अगर राम को ढूंढना है तो एक राम तो कबीर वाला राम भी है, वो ये सब कोट हो रहा है कहीं, वो जिम में गया हुआ मार्शल राम नहीं है, वो भाजपा का राम नहीं है, वो प्यार वाला राम है, वो ये राम नहीं है जिसके नाम पर बाबरी मस्जिद ध्वंस किया जाता है, ये वो राम है जिसको कबीर प्यार करते हैं और ये ना सोचते हैं कि ये राम हिंदू है या मुसलमान है। तो कई बार जो चीज़ ऑफिशियली जहाँ होती है वहाँ इतनी खूबसूरत नहीं होती, लेकिन जहाँ अनऑफिशियली होती है, जहाँ अंग अंग में बसी हुई होती है, जहाँ हमारी स्मृतियों में बसी हुई होती है, तब ज़्यादा खूबसूरत होती है। तो इसको आगे ले जाते हुए एक और मैं पहले होली की बात कर रही थी, एक और कहानी मुझे याद आ गई। देखिए मैं कहानियों के व्यापार में हूँ, मैं पढ़ाती हूँ और कहानियाँ लिखती हूँ, कहानियाँ सुनाती हूँ, इसलिए मेरा जो आज जो वक्तव्य है उसमें आपको बहुत बड़ा स्ट्रक्चर शायद नहीं दिखेगा क्योंकि मैं इसी तरह से बात करती हूँ। तो एक मुझे कहानी याद आ रही है जिसके बारे में मैं आपको खास बताना चाहूँगी। तो कराची में रहने वाले एक बहुत ही बढ़िया लेखक है, राइटर है, उनका नाम है अमर जलील, आज भी ये हयात हैं। उनसे उनके बारे में किसी की हिम्मत नहीं होगी कहने की कि ये सिंध के मुसलमान हैं या सिंध के हिंदू हैं, इस तरह से उन्होंने ज़िंदगी जी ही नहीं है। और उनकी एक कहानी है, इनफैक्ट जब
जियाउल हक के टाइम पे जब बहुत सेंसरशिप लगा था पाकिस्तान में, तो उनकी कुछ कहानियां तो इतनी विद्रोह वाली थी, इतनी खतरनाक थी कि उन्हें जेल में डाल दिया गया था। लेकिन उनकी एक कहानी जिसके बारे में मैं आपको खास बताना चाहती हूँ, वो ये कहानी है कि एक घर है और घर में एक मामू या चाचू जैसे हैं और उनका एक भतीजा है जिसका नाम है होली। और वो रोज़ स्कूल से जब आता है तब अपने चाचू के साथ बैठ के खाना खाता है, उसको चाचू उसको एक एक निवाला डाल के खिलाते हैं। तो ये होली जो स्कूल से आता है तो अपने चाचू को पूछता है कि आपने मेरा नाम होली क्यों रखा। तो चाचू कहते हैं क्यों बेटा क्या हुआ। तो कह रहे थे कि मेरी जो टीचर है वो कह रही थी कि तुम्हारा नाम होली है, मुझे अजीब लगा कि कैसे तुम्हारा नाम होली है। तो मैंने टीचर से कहा क्यों होली क्या होता है टीचर। तो उस टीचर ने कहा होली का मतलब होता है सेक्रेड पार्क, और वो क्रिश्चियन टीचर है। तो ये चाचू मुस्कुराते हैं, वो सोचते हैं कि मैंने तो ये होली का नाम रखा हुआ था, होली का जो त्योहार है। आप अंग्रेजी में लिखोगे तो आपको स्पेलिंग में फर्क लगेगा, आप HOLI लिखोगे अगर आप त्योहार की बात कर रहे हो, आप HOLY लिखोगे अगर आप पाक की बात कर रहे हो। लेकिन हमारी भाषाओं में दोनों जुड़े हुए हैं, हमारी लिपि में ये फर्क नहीं है। वो एक पाक त्योहार है और वो पाक इसलिए है कि वो चाचू से कहते हैं तेरी टीचर सही कह रही है कि तुम्हारा नाम का जो मतलब होता है वो सेक्रेड ही होता है, वो पाक ही होता है। और वो बताओ बेटा क्यों पाक होता है। और फिर वो बोलते बोलते उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं क्योंकि वो उसे कहते हैं कि वो उस वक्त हम पिचकारियां डालते हैं एक दूसरे पे और इंदिरा मेरे घर आती है और लक्ष्मण मेरे घर आता है और मैं मुकुंद के घर जाता हूँ और हम रंग डालते एक दूसरे पे और हम इस तरह से खेलते। तो बच्चा सोच रहा है कि इनको क्या हो गया है, ये रोने लगे हैं, ये कौन से नाम है, इनका मतलब क्या होता है। और फिर ये बच्चा पूछता है कि चाचू इस तरह की होली अब हम नहीं खेलते। और फिर वो चाचू उसको जवाब देते हुए कहते हैं नहीं बेटा इस तरह की होली अब हम नहीं खेलते, अब हम सिर्फ कहानियों में इस तरह की होली खेलते हैं क्योंकि ये पाकिस्तान है, अब वहाँ उस तरह की होली नहीं होती। वो बच्चे को नहीं कह रहा, लेकिन ये हमारे लिए ये अहमियत की चीज़ है क्योंकि अब हम तो ऐसे नहीं हो गए। जाने अनजाने हिंदुस्तान तो पाकिस्तान नहीं बनना जा रहा, जाने अनजाने ये तो नहीं है कि हम इतने अपने आप से खुश हैं कि हमें पता ही नहीं चला कि हमारे दायरे भी इतने छोटे होते गए। तो हम भी अपने आप से पूछें कि हमारी जो मिली जुली तहजीब थी उनमें से कितनी तहजीबें रही हैं हमारे पास। अगर हम उसका मायना नहीं करेंगे, अगर हम उसका एग्जामिनेशन नहीं करेंगे तो हम उस पर रोएंगे कैसे। वो रोना भी ज़रूरी है क्योंकि वो माता ज़रूरी है, क्योंकि वो हमारी विरासत खोई हुई है जिसके लिए आंसू बहाना ज़रूरी है। लेकिन हम तो इतने कॉन्फिडेंट हैं कि हमको बस हमारी GDP बढ़ी है कि नहीं उसी की चिंता है, लेकिन हम ये पूछ नहीं रहे हैं कि उनमें से कितनी विरासतें हमारे पास रह चुकी हैं। तो ये थी एक उसी जो बंटवारे का काम है उसी से दूसरी बात। इस बात को पूरी करते हुए मैं गुलजार की कविता पढ़ रही हूँ जिसका नाम है, इनकी नज्म है गुलजार की और नाम है दस्तक। और गुलजार कहते हैं सुबह सुबह एक ख्वाब कि दस्तक पर दरवाज़ा खोल देखा, सरहद के उस पार से कुछ मेहमान आए हैं, आँखों से मानूस थे सारे, चेहरे सारे सुने सुनाए, पांव धोए हाथ धुलाए, आंगन में आसन लगवाए और तनूर पे मक्के के कुछ मोटे मोटे रोट बनाए, पोटली में मेहमान मेरे पिछले सालों की फसलों का गुड़ लाए थे, आँख खुली तो देखा घर में कोई नहीं था, हाथ लगाकर देखा तो तनूर अभी तक बुझा नहीं था और होठों पर मीठे गुड़ का जायका अब तक चिपक रहा था। ख्वाब था शायद, ख्वाब ही होगा। सरहद पर कल रात सुना है चली थी गोली, सरहद पर कल रात सुना है कुछ ख्वाबों का खून हुआ था। शुरुआती दौर की यात्रा क्या मायने रखती है और एक हमारा जो इतिहास है, इतिहास के उस मुकाम की बात जब हदें बनाई गई, बॉर्डर्स बनाए गए, बाउंड्रीज बनाई गई
और देश के बंटवारे हुए। तो ये थी उस पीरियड की बात। लेकिन अब जाएं हद से अनहद की तरफ, और उसके लिए हमें कबीर के पास जाना ही होगा, और उसके लिए हमें वापस एक बार माजी की ओर जाना होगा, क्योंकि हमारे माजी में हमको अनहद की क्षणें दिखती हैं, लेकिन हमारा जो वर्तमान है उसमें हमको नई हदें दिख रही हैं। तो अगर उस ओर जाते हुए हम अपने आप से पूछें तो कबीर जो हैं, मैं बुद्ध की बात नहीं कर रही, लेकिन खास तौर से कबीर हैं या नामदेव हैं या ज्ञानेश्वर हैं जिनके बारे में मैं पहले बता रही थी, तो ये सब, ये कौन सा दौर था हमारी हिस्ट्री का, है ना, हमारी विरासत का ये ऐसा कौन सा दौर था जब आपको इस तरह की आवाज़ें कई जगह सुनने को मिलती। तो उस ओर जाएं तो हम देखते हैं कि छठी और नवमी सदी के बीच कुछ ऐसी घटनाएं हुई जो फिर कभी ना हुई और न उन्हें होने दिया गया। मैं जिक्र कर रही हूँ भक्ति की। इसे हम संशोधन एक मूवमेंट के तौर पर